हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर जितने भी आईसी लगा हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर जो है वो कौन कौन से चिप आईसी लगा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बहुत सारा कमेंट आया था कि सर बोर्ड के अंदर आप बताइए कि जो भी लैपटॉप, चाहे वो लेटेस्ट वाले लैपटॉप आ रहे हैं या ओल्ड वाले लैपटॉप आ रहे हैं, तो उस लैपटॉप के अंदर जो है बोर्ड में कौन कौन से आईसी लगे होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल आप बताइए कि जो है ये आईसी जो है वो कौन कौन सा होता है। तो चाहे वो आप कोई भी बोर्ड देखेंगे तो इस बोर्ड के अंदर जो है कौन कौन सा चिप लगा होता है, या आपके जो भी जैसे पीसीएच वाला जो बोर्ड है उसके अंदर कौन कौन से चिप लगा होता है, हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर जितने भी कंप्लीट आईसी, जितने भी आईसी लगे होते हैं वो सब आईसी जो है उसके पूरा डिटेल बताऊंगा कि कहाँ पे और कैसे लगा होता है और कौन सा आईसी किसके लिए होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो अभी जो कोर्स जो चल रहा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सीसीटीवी, प्रिंटर, एलईडी टीवी, इन सब का जो है वो क्लासेज चल रहा है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो उसका डिटेल के लिए जो है आप नंबर, जो नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं बोर्ड के अंदर जो आईसी होता है। तो मैं आपको बताऊं कि बोर्ड के अंदर जो भी आईसी होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लैपटॉप, लैपटॉप मदरबोर्ड में आईसी या चिप कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप एक लिस्ट देखेंगे कि ये जो आईसी जो है ये मेन आईसी, मतलब बोर्ड के अंदर जितने भी आईसी जो सबसे मेन आईसी होता है वो यही आईसी। उसके बाद से जो रेगुलेटर आईसी होता है वो अलग होता है, मगर मेन आईसी कौन कौन सा होता है, जैसे चार्जिंग आईसी, स्टेप डाउन आईसी। अब स्टेप डाउन में हम दो तरीके आईसी बात करेंगे अभी, वीआरएम आईसी, पीसीएच आईसी, एसओसी आईसी। तो ये पीसीएच एसओसी में अंतर क्या है कि अगर आपका एसओसी वाला बोर्ड होगा तो उसमें पीसीएच वाला आईसी नहीं होगा, और पीसीएच वाला होगा जिसमें एसओसी वाला आईसी नहीं होगा। इससे पहले वाला जो आता था वो आईसीएच और नॉर्थ भी जाता था। साउंड आईसी, नेटवर्क आईसी, आईओ आईसी, बायोस और ऑलवेज टू बीएस ट्रांसफर आईसी। तो ये आईसी का क्या रोल होता है, यही बोर्ड के अंदर सबसे मेन आईसी होता है लैपटॉप का। किसी भी सीरीज की अगर हम बात करें, चाहे हमारे पास ओल्ड लैपटॉप हो या न्यू लैपटॉप हो, इसमें यही। तो हम पहले आईसी की बात करते हैं, जैसे चार्जिंग आईसी। तो जो चार्जिंग आईसी होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये चार्जिंग आईसी जो भी लैपटॉप के अंदर जो बैटरी लगा होता है उसको चार्ज करने के लिए और डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब विदाउट एडाप्टर हमारा लैपटॉप भी ऑन होता है तो वो इसी चार्जिंग आईसी के द्वारा जो है मतलब फंक्शन काम करता है। तो अगर हम बोर्ड की बात करें तो ये पीसीएच वाला बोर्ड में चार्जिंग आईसी होता कहाँ पे, तो सबसे सिंपल है चार्जिंग आईसी पता करने का कि ये जो है आप बोर्ड में, आपके पास जो भी लैपटॉप बोर्ड होगा उसमें देखेंगे कि इस टाइप के आपको कनेक्टर जो है बोर्ड में मिलता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर है इसी कनेक्टर के पास में चार्जिंग का सर्किट होता है, उसके पास एक क्वाइल लगा होता है, दो मॉसफेट, चार्जिंग में एक डिस्चार्जिंग का मॉसफेट लगा होता है। इसी के आसपास, इसके आगे या पीछे जो है बैक साइड में जो है इसका आईसी लगा होता है। तो जो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है आईसी जो है ये चार्जिंग आईसी है यहाँ पे। हाँ, ये वाला जो है ये चार्जिंग आईसी है जो कि बैटरी को चार्जिंग के लिए यूज होता है। तो अगर बैटरी सेक्शन में कोई इशू आता है तो सबसे ज़्यादा जो है इशू इसी आईसी में आता है, चार्जिंग आईसी के बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। फिलहाल ये चार्जिंग आईसी है, और किसी भी जो भी लैपटॉप का बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर जो अगर आप कनेक्टर दिया हुआ है बैटरी का, तो उसमें आपको जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये चार्जिंग आईसी आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये आपका चार्जिंग आईसी है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ स्टेप डाउन आईसी, तो स्टेप डाउन आईसी कहाँ पे है, तो जो पुराना बोर्ड होता था उसमें क्या है कि स्टेप डाउन जो है सेक्शन, उसमें जो है चार मॉसफेट और दो आउटपुट का क्वाइल और दो आउटपुट का कैपेसिटर लगा होता था। तो वहाँ वो जो सेक्शन होता था वो स्टेप डाउन सेक्शन होता था। ठीक है, मगर अब जो लेटेस्ट वाले जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें, जैसे ये पुराना वाला बोर्ड है और इस बोर्ड में देखेंगे कि ये जो सेक्शन है ये आपका स्टेप डाउन का सेक्शन है, जिसमें जो ये भी मॉसफेट है छोटा वाला है और ये बड़ा वाला, चार मॉसफेट लगा हुआ है, दो क्वाइल और दो कैपेसिटर जो है लगा हुआ है। और इसके बैक साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये जो है ये आपका स्टेप डाउन आईसी है। इसके पहचानने का तरीका सिंपल है कि जहाँ पे भी चार मॉसफेट और दो क्वाइल
और दो कैपेसिटर लगा होगा सीपीयू के एरिया को छोड़ के। सीपीयू सेक्शन के पास में भी ऐसा हो सकता है, पर वो वीआरएम सेक्शन होता है। सीपीयू सॉकेट के आसपास के एरिया को छोड़ के बोर्ड में कहीं पे भी अगर लगा हुआ है इस टाइप का, तो वो जो सेक्शन होगा वो स्टेप डाउन सेक्शन का होगा। पर अब जो लेटेस्ट वाले जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें क्या है कि लेटेस्ट वाले जो बोर्ड है उसमें जो स्टेप डाउन का जो आईसी है, आप इसमें देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 और 5 लिखा है, मतलब जो है एक 3 और एक 5 के लिए जो है अलग से एक आईसी आ रहा है, 3 के लिए अलग से आ रहा है, 5 के लिए एक अलग से आईसी आ रहा है। तो इस बोर्ड में अगर हमें पता करना है कि वो आईसी कहाँ पे है, तो वो आईसी को हम कंफर्म करने के लिए आपको दिखाते हैं कि इसमें जो है 3 और 5 वाला जो आईसी है वो कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है 3 और 5, इसमें क्वाइल, हाँ ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 आपका आईसी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ये वाला आईसी और एक वाला ये वाला आईसी। तो ये जो है आपका जो है स्टेप डाउन का सेक्शन का है सर्किट, और इसमें जो है 2 आईसी दे दिया है। और यहाँ पे जो मॉस्फेट आता था पुराने वाले बोर्ड में, स्टेप डाउन में जो मॉस्फेट लगा होता था, अब ये मॉस्फेट खत्म हो गया है, अब मॉस्फेट ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाला बोर्ड है। उसके बाद सब पीसीएच बोर्ड के अंदर अगर सिंगल चिप है, जैसे ये बोर्ड में आप देखेंगे कि सिंगल चिप है और बोर्ड में कोई भी चिप नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है ये आपका जो है चिप जो है वो पीसीएच चिप होता है। जैसे आप पीछे वाले बोर्ड में देखेंगे इसमें कोई भी चिप नहीं दिया, प्लस इसमें क्या है सीपीयू सॉकेट है। और उसके अलावा जो है एसओसी की बात करें, तो एसओसी वाला जो बोर्ड है उसमें क्या होगा कि इसमें तो पीसीएच चिप के साथ एक सीपीयू सॉकेट था, पर एसओसी वाले बोर्ड में कोई भी आपके बोर्ड के अंदर जो है सॉकेट नहीं होगा, इनबिल्ड यही सीपीयू होता है, इसी के अंदर सब कुछ होता है, जो भी पीसीएच भी होता है वो सब इसी के अंदर होता है। तो इसी को एसओसी चिप के नाम से जानते हैं, सिस्टम ऑन चिप, और पीसीएच का प्लेटफॉर्म कंट्रोलर चिप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से हम आप बात करें साउंड साउंड आईसी, तो साउंड आईसी जो है वो कहाँ पे होता है, साउंड आईसी जैसे ऑडियो पोर्ट है उस ऑडियो पोर्ट के पास में ही होगा। तो इसके बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑडियो आईसी इसमें दिया हुआ है। हम दूसरे बोर्ड की अगर बात करें तो इस बोर्ड में जैसे ये ऑडियो पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और इसी के पास में देखेंगे तो 48 पिन का, ज़्यादातर 90% बोर्ड में 48 पिन का होता है, 32 पिन का भी मिल सकता है आपको। तो ये है आपका ऑडियो, रियलटेक 90% जो है कंपनी ये बनाती है, तो ये ऑडियो आईसी इस बोर्ड में लगा हुआ है। उसके बाद से नेटवर्क आईसी, नेटवर्क आईसी जो नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, जैसे ये लैंड पोर्ट है आप देखेंगे यहाँ पे लैंड पोर्ट, तो लैंड पोर्ट के अंदर जो है इसके पास में एक आईसी यूज होता है, उस आईसी को जो है नेटवर्क आईसी के नाम से जानते हैं। तो ये आईसी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो बूस्टर लगा हुआ है, और बूस्टर के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल बताऊंगा। तो बूस्टर जो है ये तो बूस्टर है, मगर इसके बैक साइड में जो आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला आईसी जो है वो नेटवर्क आईसी है। और इस पोर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोर्ट है ये लैंड पोर्ट है, और इसके पास में ये बूस्टर है, और इसके पास में भी जो आईसी लगा हुआ है ये है। और ये भी ज़्यादातर आपका रियल टेक का या ब्रॉडकॉम का होता है, और ऑडियो आईसी ज़्यादातर रियल टेक का होता है, मगर लाइन आईसी भी रियल टेक ब्रॉडकॉम का होगा, और दोनों 48 पिन का होता है। तो लाइन पोर्ट के पास में दिया हुआ है, ये लाइन आईसी होता है, ठीक है। उसके बाद से आयो चिप, बोर्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चिप में से एक चिप होता है जो कि आयो चिप होता है, 128 पिन का होता है बोर्ड के अंदर, और अलग अलग कंपनियां बनाती है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये ENE कंपनी बनाती है, SMSC बनाती है, विनबॉन्ड बनाती है, उसके बाद से नोवाटोन बनाता है, और बहुत सारे जो है कंपनियां जो है ये बनाती है ये चिप। और ये जो है 128 पिन का आईसी होता है, जैसे नोवाटोन इस बोर्ड में दिया हुआ है, इस बोर्ड में आप देखेंगे तो इस बोर्ड में जो है वो SMSC का दिया हुआ है, आप दूसरे बोर्ड में देखेंगे इसमें ENE का दिया हुआ है, अगर हम तीसरे बोर्ड की चौथे पांचवे बोर्ड की बात करें तो इसमें भी ENE का सबसे ज़्यादा ENE का होता है, जो कि 128 पिन का आईसी होता है। उसके बाद से हम बात करें बायोस, तो बायोस जो है बोर्ड के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि 8 पिन का होता है, और बोर्ड के अंदर जो है 8 पिन का जो भी आईसी होता है, जितने भी बोर्ड में कंपेयर करेंगे तो उससे जो है ना जितने भी आईसी लगा हुआ है इसमें, जैसे ये छोटा एक आईसी है आप देखेंगे यहाँ पे भी आईसी दिया हुआ है, पर इन सबसे जो है ये वाला आईसी आपको बड़ा दिख रहा होगा, स्क्वायर में भी होता है और इसके पिन भी मोटे होते हैं, यही पहचान होता है 8 पिन वाला जो भी आईसी होता है जो बायोस का होता है। दूसरे बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस बोर्ड में आप देखेंगे तो इस बोर्ड में भी ये है, इसका एरिया कोई नहीं होता है, आप बोर्ड में कहीं पे भी देख सकते हैं, पर 8 पिन का जो भी मॉस्फेट या आईसी होगा उससे सबसे अलग होगा, थोड़ा सा मोटा और स्क्वायर में दिया होगा, जैसे इसमें
यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा जो है एक और जो आईसी है जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊं कि ऑलवेज टू बीएस ये लेटेस्ट वाले जो भी बोर्ड है हमारे जो पीसीएच वाले मतलब थर्ड जनरेशन से पहले वाले जो बोर्ड आते थे उसमें क्या होता था स्टेप डाउन के बाद जो है 3 और 5 बीएस की 2 मॉस्फेट लगा होता था जो कि 3 और 5 वोल्ट आने के बाद उस मॉस्फेट पे जब बोर्ड को ऑन करते थे तब वो 3 और 5 बीएस जो है अलग अलग सेक्शन को जाता था। पर अब के जो लेटेस्ट वाले बोर्ड है उसमें क्या है कि एक आईसी दे दिया गया है जो कि 3 और 5 ऑलवेज स्टेप डाउन से आउट होता है और उस आईसी पे जाता है और वो आईसी पे जाने के बाद जो आईसी जो है वो 3 और 5 जब बोर्ड ऑन होता है तब वो आउट करता है। तो इस बोर्ड में मैं आपको दिखाऊं तो स्कीमेटिक जो मैं आपको स्कीमेटिक का भी सीरीज स्टार्ट किया हूं उसमें भी बताऊंगा। फिलहाल आप देखेंगे कि ये वाला जो आईसी है ना ये वाला आप किसी भी जो लेटेस्ट वाला बोर्ड में आप देखेंगे तो ये वाला आईसी आपको जो मिलेगा वो आपको जो 3 बीएस वाला 5 बीएस वाला मतलब आईसी है और ये किसी भी लैपटॉप बोर्ड के अंदर अगर 3 और 5 बीएस वाला आईसी अगर ख़राब होता है तो किसी भी थर्ड जनरेशन के बाद के कोई भी बोर्ड है उसमें से आप निकाल के इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है तो यही मतलब बोर्ड के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जितने भी बोर्ड में जो आईसी लगा होता है वो ये सब आईसी लगा होता है और इस आईसी का जो है यूज क्या होता है वो तो मैंने आपको ये बताया कि बोर्ड के अंदर ये आईसी लगा होता है। अब आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें जो है ये आईसी का मोस्टली फंक्शन क्या होता है इससे रिलेटेड क्या क्या इशू आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके थैंक यू धन्यवाद।